हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जी के चैनल में। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, जहाँ से आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करके जो पीछे की भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, बिहार और राजस्थान के बाद किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जाने की निर्णय लिया गया। ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आरंभ हुआ है। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी शंघाई और डी बैंकॉक। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, बैंकॉक। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान के लिए एल्युमनी एंड डोमेंट फाउंड लॉन्च किया है। ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईएम बेंगलुरु, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईएम अहमदाबाद। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, आईआईटी दिल्ली। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, सीपीआई की किस पूर्व सांसद और दिग्गज वामपंथी नेता का हाल ही में निधन हो गए हैं। ए डी राजा, बी गुरदास दास गुप्ता, बी विनोय विश्वास और के डी ऑप्शन के सुब्रमण्य स्वामी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, गुरदास दास गुप्ता। अगला 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चिली द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करने के बाद किस देश ने इसका आयोजन करने का घोषणा की। ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस और सी जर्मनी और डी स्पेन। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, स्पेन। स्पेन ने है वो COP25 सम्मेलन आयोजन कराने की घोषणा की है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, एरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस नामक दो देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन करने की कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है। ए ऑप्शन 81, बी ऑप्शन 82, सी 83 और डी 84। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 83, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किए हैं। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी हैदराबाद, सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी पुणे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, आईआईटी हैदराबाद। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। ए ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर, बी ऑल इंडिया रेडियो घाटी, सी नया सवेरा रेडियो स्टेशन, डी जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन। तो इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। 28वां व्यास सम्मान प्रदान किसको किया गया है। ए विनीत पाल सिंह, बी लीलाधर जगुरी, सी अश्विन गौतम और डी अजय बुरमन। तो इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, लीलाधर जगुरी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के लिए नए हेडक्वार्टर की उद्घाटन एवं किया गया। सरदार पटेल भाई की जो जयंती थी उस पर अमित शाह ने वो एक नए पुलिस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। तो किस पुलिस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया है। ए उत्तर प्रदेश पुलिस, बी राजस्थान पुलिस, सी चंडीगढ़ पुलिस और डी दिल्ली पुलिस। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस का वो नया हेडक्वार्टर को तैयार हुआ है। हाल ही में किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर लेह में शपथ ली थी। ये 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ए गिरीश मुर्मू, बी गीता मित्तल और सी राधाकृष्ण माथुर और डी बी वी आर सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, राधाकृष्ण माथुर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी के हाल में अपना फूड डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन लॉन्च किया है। ए जोमेटो, बी स्विगी और सी डोमिनोस और डी है उबर इट्स। तो इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, ऊबर इट्स करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर लेके रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम से प्रसारण है शुरू किया गया है। ए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, बी लेन देन और गंगावाणी, सी ऑनलाइन रेडियो और आकाशवाणी और डी नेटवर्किंग रेडियो और गंगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन, ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आईसीसी महिला और फुटबॉल T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण है वो कौन सी अभिनेत्री है वो करेगी। ए ट्विंकल खन्ना, बी कटरीना कैफ और सी करीना कपूर और डी श्रद्धा कपूर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, करीना कपूर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया के एंड्रयू मैकडोनाल्ड को किस क्रिकेट टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। ए इंग्लैंड पुरुष टीम,
बी पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम, सी अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम और डी ऑस्ट्रेलियन पुरुष क्रिकेट टीम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम। अगला 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर एमर्जिंग एशिया 2019 का खिताब जीत लिया है? ए श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम, बी पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम और सी इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और डी नेपाल महिला क्रिकेट टीम। इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने अब हाल ही में 2019 का खिताब है वो जीता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने के बाद किस के देश के प्रधानमंत्री ने वो पद से इस्तीफा दे दिया है? ए जापान, बी चीन, सी लेबनान और डी वियतनाम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, लेबनान। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ओलंपिक टेस्ट इवेंट में भारत की बॉक्सर आशीष ने कौन सा मेडल वो जीता है? ओलंपिक टेस्ट इवेंट में भारत के बॉक्सर अश्विन ने वो कौन सा मेडल जीता है? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज और डी गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, सिल्वर, सिल्वर करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको बता दें, हम डेली डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो पीछे मैंने हम बता चुके हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान रॉयल आर्मी ने उन्हें गॉड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ए जापान, बी चीन, सी भारत और डी सऊदी अरब। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, सऊदी अरब। अब जो हमारा कल क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका आंसर आपको कमेंट में बताना था, तो वो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में बात करें तो वो क्वेश्चन था 30 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व मितव्यता दिवस, बी विश्व माननीय दिवस और सी विश्व महिला दिवस और डी विश्व बाल दिवस। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग डेली जीके चैनल को, आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।